हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आता है, आइडियल मींस सारे कंडीशंस आइडियल, ठीक है, कोई भी कंडीशन प्रैक्टिकल नहीं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम क्या मान रहे हैं कि हमने जो कोर पे जो वाइंडिंग किया है, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए उस वाइंडिंग में जो लॉस होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉस या फिर ओमिक लॉस, वो भी नहीं होगा, ठीक। सेकंड चीज़, जो हमारा कोर है उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो हमारा क्या है, लीक करके नहीं जाता है, ठीक है, लीकेज भी नहीं होता है, और आयरन जो है उसमें लॉस भी नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं कि सारा चीज़ आइडियल है। तो ना तो उसमें कोर लॉस होगा, ना उसमें कॉपर लॉस होगा, ना ही उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होगा, इसलिए उसकी इफिशेंसी क्या होगी, 100% होगी। बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो एक्चुअल कंडीशन है, यानी कि जिस वाइंडिंग, जो वाइंडिंग हमने लिया कोर में वाउंड करने के लिए, उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसलिए उसमें कॉपर लॉस होगा। जो हम आयरन कोर ले रहे हैं वो 100% परमेबिलिटी नेचर का नहीं है, ना ही उसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो उसी मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए उसके बाहर से भी लीक कर रहा है, इसलिए उसमें कोर लॉस भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज भी होगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्लोज टू 99% जरूर होगा, बट 100% नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे चार कंपेरिजन। इसके अलावा वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी नहीं होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, लेकिन होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको जानना है, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम एट नो लोड। तो सबसे पहले तो आपका जो नो लोड करेंट है, उसका मतलब ये हुआ कि आपका सेकेंडरी साइड पर लोड कनेक्टेड नहीं है। नो लोड करेंट मीन्स सेकेंडरी साइड पर लोड कनेक्टेड नहीं है। तो सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्टेड नहीं है मींस जो आपका प्राइमरी साइड पे जो करंट जा रहा है, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक उसी से ही आपका कोर लॉस कंपोनेंट भी बनेगा, और उसी से आयरन लॉस कंपोनेंट भी बनेगा। तो एक को बोलते हैं हम लोग, कोर लॉस को बोलते हैं आईसी, कोर लॉस करंट या फिर विंडेज करंट, ठीक है। और एक होता है हमारा आईएम, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो इन ये दो अलग अलग नाम है, एक आपका आयरन लॉस में इंक्लूड करता है, एक आपका कॉपर लॉस में इंक्लूड करता है। तो ये हो गया आपका आई ज़ीरो। अब ये जो मैंने आपको लेंस लॉ के टाइम पे बताया था कि आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, यानी कि ई वन और ई टू, ये दोनों ही किसको अपोज करते हैं, मेन सोर्स ऑफ कॉज को अपोज करते हैं, यानी कि आई वन करेंट को और V1 को। इसलिए ये जो V1 है और E1 I2 है, ये दोनों क्या बनेंगे, इस E1 और E2 के अपोजिट में बना आपका V1। इसलिए मैंने लिखा ऊपर में बनाया V1 और नीचे में बनाया E1 E2, और ऊपर में लिख दिया V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1 और E2, ठीक। नेक्स्ट आपका जो ये करंट है, ये कुछ लीड करेगा बाय एंगल फ्लक्स से, कुछ एंगल अल्फा से कुछ एंगल लीड करेगा, इसलिए ये ऊपर बना। अब इसके दो पार्ट हैं, मैंने आपको बताया, एक आपका कोर लॉस वाला और एक आपका मैग्नेटाइजिंग वाला पार्ट। तो इसलिए ये दोनों फेजर में डिवाइड हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वोल्टेज और करंट का, 5-0, यानी कि नो लोड करंट, नो लोड एंगल 5-0 से ये दोनों सेपरेटेड होंगे। तो इसका जो बेस पार्ट है, उसको आप क्या बोलोगे, आई ज़ीरो कॉज ऑफ 5-0 कितना हो जाएगा, ये आई सी, या फिर आप बोल सकते हो आई डब्ल्यू, वर्किंग करंट या फिर कोर लॉस करंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका जो परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट है, वो कितना हो जाएगा, आई ज़ीरो साइन 5-0 इक्वल्स टू आई एम या फिर आई म्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आपका जो बना प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, अगर आप इसी का आइडियल में बनाओगे, तो ये जो नो लोड करंट है, ये फाई से कुछ एंगल लीड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसी फेज में आ जाएगा, और हमारा जो
मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी उसी फेज में होगा, और हम ये मानेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में तो कोर लॉस होता ही नहीं है, आईसी तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये सारे क्या हैं इसी फेज में रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक एंगल से फाइव जीरो आई जीरो को लीड नहीं किया है, सेम फेज में बनाया है आई एम, और बाकी ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे। वी वन आपका फाइव से लीड करेगा बाय एंगल 90 डिग्री, और वी वन ई वन और ई टू के फेज अपोजिशन में है, इसलिए ऊपर वी वन नीचे आई वन आई टू ई वन ई टू, और ये दोनों मिला करके माइनस ऑफ ई वन ई टू। ठीक है, तो ये आपको फेजर डायग्राम भी समझ आ गया। तो ये वाला है फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड, ये वाला है फेजर डायग्राम ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड। आइडल ट्रांसफार्मर का है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।